ब्लॉग। सो इतने टाइम से मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा आज भी ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, बिकॉज आज घर में बन रहा है पिज़्ज़ा। एंड ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसकी चटनी बन गई जो मम्मी बना चुकी हैं, एंड सब्जी अब्जी भी कट चुकी है। पिज़्ज़ा बेस लाए थे पापा, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, मम्मी पापा घर का सामान लेने गए हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें मम्मी पापा पिज़्ज़ा बेस भी लाए थे बाहर के, क्योंकि घर में बनाते ना वो भी अच्छे रहते हैं, बट इतना टाइम नहीं है। तो आज पिज़्ज़ा बनने वाला है, एंड यहाँ पे ये पढ़ रहा है, यहाँ पे ये पढ़ रहा है, एंड इसकी पढ़ाई तो अभी ख़त्म होगी नहीं होगी पता नहीं, मेरी तो बहुत सारी पढ़ाई है, इतना सारा काम आ रहा है स्कूल का, पर मन किसका करता है, सब खुद थक गए यार पढ़ पढ़ के, है ना, थक गया ना यू, नहीं थका? पापा ने इसे काम दे रखा है, पापा इसे रोज़ कहते कि एक एक पेज तू मुझे लिख के देगा, पर कल तो दिया नहीं, दो पेज तो कल तो लिख के नहीं दिया था, आज लिख लिए? नहीं लिखे, शक्ल से पता चल रहा तेरी, और मैंने नेल आर्ट करी थी, चल रही है क्या कैमरे के आगे कुछ नहीं करता, ये कैमरे के पीछे जितना करवा लो, शक्लें बहुत बनाता है बस। आज तो बहुत बारिश हुई है, आज तो आज मैं बाइक सीखने भी नहीं गई इस चक्कर में कि बारिश हो चुकी है, तो वहाँ पे ग्राउंड जो है वो गीला हो गया होगा, और गीला हो गया तो अगर मैं बाइक चलाऊँगी तो मैं गिर ही जाऊँगी, ना गिरना हो तो गिर ही जाऊँगी। अब मेरे को बाइक चलने में बहुत अच्छे से आ चुकी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं दो दिन में सीख चुकी थी, दूसरा दिन था जो आपने मेरा ब्लॉग देखा था, दूसरे दिन की वीडियोज़ थी वो, एंड तीसरे दिन में की जो मैंने लास्ट में डाली थी वो था तीसरा दिन मेरा। सो ये चटनी है, एंड इसको बस अब पीसना है मिक्सी में, अभी ये थोड़ी गर्म है तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब पीएंगे। एंड ये यहाँ पे सब्ज़ी भी कट चुकी है, ये रहे पिज़्ज़ा बेस, ये रहा मेयोनीज, सॉरी ये रहा चीज़, ये रहा मेयोनीज, ये रहा सॉस, और मम्मी अभी काम में व्यस्त हैं, बहुत जल्द अब खाने को मिलेगा। सो ये रहा जो मम्मी ने पीस भी दिया इतनी जल्दी, एंड काश मैं आपको इसकी खुशबू सुंघा पाती, इसकी खुशबू इतनी 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 अच्छी आ रही है ना, मुँह में पानी आ रहा है बस, अब जल्द से बन जाए पिज़्ज़ा, भूख बहुत तेज़ की लग रही है मेरे को। तो ये रहा हमारा पिज़्ज़ा बनते हुए, यानी चीज़ पापा काट रहे हैं, सब्जियाँ डल गई, सबसे मेन तो इसमें चीज़ होता है पिज़्ज़ा में, कॉर्न भी डल गया, स्वीट कॉर्न चाहिए, बहुत टेस्टी होते खाने में, चाट मसाला भी डल गया, एंड अब बारी आती है चीज़ की, इस बार हम दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पहले हम दूसरी चीज़ यूज़ करते थे, तो इसका भी देखते हैं कैसी होगी इसकी चीज़। वेट अ सेकेंड, पहले डलेगा बटर, इसको ढक दो, आपको हम फाइनल लुक दिखाएंगे जो मैं दिखाऊंगी किचन के बाहर, और पिज़्ज़ा बन चुका है, एंड उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ से यहाँ आ गई, और क्रिस्पी तो बहुत बना है, तो लेट्स सी कैसा बना है, एंड अंदर चलते हैं पिज़्ज़ा लेके, तब दिखाती हूँ कैसा बना है। पिज़्ज़ा जो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, चीज़ तो बहुत सारा है इसमें, एंड अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा आयुष, नहीं करेगा तो मम्मी करेंगे, अभी मम्मी आने वाली है, एंड वो भी ला रखे हैं हम नमक एंड चिली फ्लेक्स, हाँ अभी दे। सो ये आ गया मेरा पीस, ये रहा आयुष का पीस, अब आयुष आएगा तो टेस्ट करेगा कैसा है, सॉरी हम मम्मी को नहीं ला सकते इसलिए कैमरा पे फ्लैट कर दिया। हाँ तो मैंने तेरे से पूछा कैसा बना है, अभी पूछा मैंने तेरे से, कब पूछा, पूछा मैंने, मेरा भी ऐसी पड़ा है, सब खाऊंगी पहले, तू बता कैसा है, अब तो खा लिया ना बता, ठीक है अच्छा नहीं है, मेरे वाले में तो चीज़ आ गई सारी, ये मैं खाती हूँ। ये आ गया हमारा दूसरा पिज़्ज़ा, अब आ गया मम्मी के हाथ का पिज़्ज़ा, आयु ने खा लिया है, आयु कैसा है, अच्छा है, दादी ने खा लिया, दादी ने तो रोटी खाई है अभी,
पिज़्ज़ा नहीं खाया ना दादी ने अभी? पापा कैसा है? सो अब खाते हैं। इसमें तो चीज़ मेरे वाले, मैंने तो चीज़ वाले ले लिए सबसे ज़्यादा, जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ थी। हाँ, मेरा तो पेट भर चुका है पिज़्ज़ा खा के, इतना पिज़्ज़ा खाया ना भर गया पेट, और अब तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। कितना पिज़्ज़ा गिने तो है नहीं हमने, हम गिनते नहीं। हम चार और एक पीस खाना, एक पिज़्ज़ा और चार पीस। कितने? एक पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा में चार पीस होते हैं ना, चार पीस और पाँच। मैं तो गिनती नहीं हूँ, जो जितना भी खाना है खाओ भाई, गिनना नहीं चाहिए है ना। क्यों नहीं गिनती? ज़्यादा खाया तो? और अब हम यहाँ ला रखें किताबें पढ़ने के लिए, इतनी सारी किताबें हैं। किताबें खेलने के लिए लाते हैं। हाँ, कोई कोई खेलने के लिए लाते, सिर्फ कोई कोई पेज फाड़ के एरोप्लेन बना देता है तेरी तरह है। कोई कोई किताबें बस खोल के ऐसे सोच में बैठ जाता है तेरी तरह है, है ना, है ना? ना वो आपको मिलेंगे, हम सीधा सुबह सो जाते हैं, सो जाते तो नहीं पर काम पूरा करते हैं, सीधा सुबह मिलेंगे। एंड कल क्या करना है? कल कुछ काम? कल तो बस रेडी होके वीडियोस वगैरह बनानी है, कल एक वीडियो की तैयारी भी करनी है मेरे को। चलते हैं, सुबह मिलेंगे आपको। बाय। अब हो रही है शाम और हमने शाम को व्लॉग चालू कराया अपना, बिकॉज सुबह सुबह क्या आज सुबह हम बहुत लेट उठे थे, बिकॉज हम रात को बहुत हम रात को बहुत लेट सोए थे। क्यों सोए थे? पहले तो प्रिंटर ख़राब हो गया था, सेकंड इसने अपने हाथ में ना कट मार लिया था, दब लग गया था, लग गया था चूड़ी से, मम्मी की कांच की चूड़ी थी वो टूट गई खेलते खेलते, और इसने ना हाथ में मार लिया और खून रुक ही नहीं रहा था। वैसे 15 अगस्त आने वाला है, मैंने अभी तक पतंग उड़ाना चालू नहीं करी इस साल, मैंने पिछले साल बहुत बोर हो गई थी। नहीं, पिछले साल मैंने बहुत पतंगें उड़ाई थी, इस बार मैं बोर हो चुकी हूँ। तो अभी हमने वीडियोज़ बनाई बहुत सारी, कितनी वीडियोस बनाई हमने पता नहीं, कितनी वीडियोस बनाई होगी। एंड बारिश हो रही है सुबह से, आज मैंने बाइक चलाने जाते पर बारिश हो रही है तो नहीं गए, उड़ भी गई इसकी पतंग, दिख रही होगी कहाँ है भाई, ये रही ब्लू वाली। छत पूरी गीली गीली हो रही है, यहाँ पे ना फिसलन, इतनी फिसलन हो रही है इस साइड, तो कम से कम मैं 2 बार और आयुष 1 बार गिरते गिरते बचे हैं। इतनी गर्मी लग रही थी तो मैंने फाइनली पंखा बाहर निकाल लिया, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। एंड मुझे अपनी छत के ना 2 सीन बहुत अच्छे लगते हैं वीडियोज़ में, जो इधर एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे बनाती हूँ ना तो पीछे सनसेट होता है इस वक्त, तो अंधेरा हो जाता है वीडियो में, और उधर बनाती हूँ तो उधर आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी उधर की, क्योंकि उधर तो क्योंकि उधर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ग्रीन पीछे बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों बट अच्छा लगता है। एंड आप सब नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा लगता है शॉर्ट्स वीडियो का, जो ग्रीन कलर का होता है, मतलब पीछे पूरे पेड़ पौधे होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दादी क्या कर रहे हो? लहसुन छील रहे हैं बाबू, इतने सारे लहसुन कब तक छीलेंगे? ये जब तक छील सकेंगे, इतने सारे हैं। क्या कर रहे हो पापा? चार को हिला रहा हूं। घर का बना हुआ है ना चार, एक डिब्बा भर के। अब बाहर बारिश हो चुकी है, अब दिख तो रही होगी नहीं, बहुत तेज़ हो रही है वैसे तो, इसलिए मैं अंदर आ गई, यहाँ बैठने अच्छा है यहाँ पे बैठने के लिए, ये रहा कैमरा स्टैंड। तो इतना बोर होने के बाद आयुष पतंग उड़ा नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए आयुष बैट बॉल खेलने लग गया पापा के साथ। उड़ा सकता है तो उड़ा क्यों नहीं रहा फिर, पता नहीं, क्योंकि हम जाते हैं ऊपर यहाँ पे उड़ाने, और यहाँ पे बारिश हो रही है और पानी हो रहा है तो फिसलने का डर रहता है। ओके, क्या यार आयुष तो बैट बॉल भूल गया लगता है पतंग के चक्कर में। पीछे से लगी है, 3 पे सो इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं, हम नीचे आ गए थे और अभी 8 बज रहे हैं,
तो मुझे एक वीडियो अपनी एडिट करनी थी, तो वो करने बैठ रही हूँ। एक और वीडियो बनेगी किस चीज़ की? कुछ भी, अभी बंद थोड़ी ना रही है, अभी तो चालू हुआ है। सोचना कि हम कुछ बनाएंगे रेसिपी एक अलग चीज़ के ऊपर, तो थोड़ी डिफरेंट है। बनेगी तो शायद मैं बनाऊंगी तो बनेगी ना, मम्मी बनाएंगी तो कैसे बनेगी? पापा बनाएंगे तो बन, वो बनाओगे। और आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आई गेस 15 अगस्त की शॉपिंग करने जाएंगे ना पापा। शॉपिंग पतंगे लेने, चरखड़ी तो घर पे है, पतंगे लेने तो जाएंगे, है ना पापा? पापा कुछ बोल ही नहीं रहे, मेरे पैरों में बहुत मच्छर खाते, इसको तो मच्छर ही खाते रहते हैं। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, लेट मत होना प्लीज़। साथ मिलके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करेंगे और मम्मी की शक्ल दिखाएंगे, मम्मी का फेस रिवील करेंगे। और जो चैलेंज जब आएगा, जब भी आएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जब भी आएगा तो उसके लास्ट में ज़रूर देखना, तो अपनी क्यूट सी सिस्टर का फेस रिवील करने वाली हूँ बहुत जल्द। बाय। पहले तो 500 में